एक साधु ने तो हद ही पार कर दी, उसने भारत के प्रधानमंत्री को मूर्ति छूने पर ही इतराज जता दिया। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा, वो अधिक से अधिक यही कर लेना होता है। तथा कथित गेरुआधारियों को, साधु वेशधारियों को क्या कष्ट हो रहा है? ऐसे अज्ञानी उल्लुओं को जहाँ तक छिप करके अपने अस्तित्व को बचाना चाहिए। माने शंकराचार्य के अतिरिक्त को जगत गुरु नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ तो आतंकवादी हुरियत के नेताओं से मिला हुआ देशद्रोही शंकराचार्य बन के नरसिंह राव के समय से लेकर अब तक घूम रहा है। कोई भी शासन तंत्र ऐसा नहीं उसको नकेल डाल सकता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राज्य में बेखट के वो घूम रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो ये भी मुमकिन है कि जब वास्तविक शंकराचार्य राम के नाम पर राजनीति करने को लेकर मोदी पर सवाल उठाएं तो एक फर्जी फ्रॉड व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, गोदी मीडिया से उसको शंकराचार्य कहलवाया जाए और वो शंकराचार्य जो राजनीति में राम के नाम को लेकर मोदी की आलोचना करें उनको गाली दिलवाई जाए, ऐसा ही एक वाक्या सामने आया है। शंकराचार्यों में भी फूट डाल दी गई है और एक शंकराचार्य फर्जी रूप से तैयार कर दिया गया है। इस तथाकथित हिंदू धर्म जिसको आप लोग ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, उसमें चार ही शंकराचार्य हैं, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ के, लेकिन एक स्वयंभू शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद देवतीर्थ प्रकट होते हैं और पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को एक बाबा साधु स्वामी बताते हुए बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं कि देशवासियों से इस शख्स को माफी मांगना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस शख्स ने आलोचना कर दी। एक साधु ने तो हद ही पार कर दी, उसने भारत के प्रधानमंत्री को मूर्ति छूने पर ही इतराज जता दिया कि वो मूर्ति छूएंगे और हम तालियां बजाएंगे। इन तथाकथित गेरुआधारियों को, साधु वेशधारियों को क्या कष्ट हो रहा है? तो ऐसे अज्ञानी उल्लुओं को जहां तक छिप करके अपने अस्तित्व को बचाना चाहिए। और भगवान श्री राम अयोध्या दर्शन के लिए वो जा भी नहीं सकते, वो उसके योग्य भी नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले उस साधु को भारत की जनता से माफी मांगना चाहिए। मोदी भक्ति में चूर देवतीर्थ यहां तक कह गया कि भक्ति में एक आदमी ताली तो छोड़िए नृत्य भी करेगा, तो देवतीर्थ मोदी की धुन पर ताली बजाने और नाचने के लिए तैयार जरूर होंगे, लेकिन अन्य शंकराचार्य नहीं है। न सिर्फ पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, बल्कि उससे पहले ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती भी इस बात को लेकर के विरोध जता चुके हैं कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन सिर्फ मोदी अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि वो शख्स जो मोदी का समर्थन करे, वो असली शंकराचार्य है? जो मोदी के विरोध में खड़ा हो जाए वो नकली शंकराचार्य? ये तय कैसे होगा? नेशनल जनमत ने जब इस तथाकथित स्वामी अधोक्षानंद देवतीर्थ के बारे में रिसर्च की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल ये शख्स खुद को जगन्नाथपुरी का स्वयंभू शंकराचार्य घोषित किए हुए है, इसलिए इस शख्स में और निश्चलानंद सरस्वती जी में इस बात को लेकर के काफी पहले से विवाद है कि असली शंकराचार्य है कौन। जब गोवर्धन मठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां निश्चलानंद सरस्वती का नाम स्पष्ट तौर पर दिखता है। अन्य जगहों पर भी इस शख्स के खिलाफ कंप्लेंट की गई है कि झूठ ही खुद को पुरी का शंकराचार्य बताता है और पूरे देश में प्रोटोकॉल लेता हुआ घूमता है। इसलिए निश्चलानंद सरस्वती इस शख्स को तकरीबन एक साल पहले ही आतंकवादी घोषित करके इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब मेरे परिचित हैं। लाड़ प्यार के साथ मैं कहना चाहता हूं उस आतंकवादी को उचित दंड मिले, नहीं तो मैं शासन तंत्र को रसातल में पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। माननीय शंकराचार्य के अतिरिक्त को जगत गुरु नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ तो आतंकवादी हुरियत के नेताओं से मिला हुआ देशद्रोही शंकराचार्य बन के नरसिंह राव के समय से लेकर अब तक घूम रहा है। कोई भी शासन तंत्र ऐसा नहीं उसको नकेल डाल सके।
आज के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भी उन्हीं के राज्य में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के राज्य में बेखट के वो घूम रहा है। अब इस रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला पहलू बताता हूं। 2008 में ये शख्स आद्य शंकराचार्य धर्मोत्थान संसद नाम से एक संस्था बनाता है, बाद में खुद को पुरी का स्वयंभू शंकराचार्य घोषित करता है। उस समय ये मोदी जी का घोर विरोधी हुआ करता था। आज मोदी जी के शान में कसीदे गड़ रहा है, लेकिन 5 साल पहले का इसका एक वीडियो नेशनल जनमत के हाथ लगा है, उसमें सुनिए। ये खुद कह रहा है कि मोदी जी और बीजेपी राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। बिल्कुल निश्चित तौर से 25-30 साल से यही ड्रामा हो रहा है। जब भी इलेक्शन आता है तो कुछ लोग राम मंदिर बनाने की बात करने लगते हैं और कुछ लोग इतर बात करने लगते हैं। हमारा आग्रह है देश भर की सभी राजनीतिक पार्टियों से कि राम राजनीतिक शतरंज की गोटी नहीं है और ऐसा ना इस्तेमाल किया जाए। ये पाप है और ये कभी देश के लिए भारी पड़ेगा। हो सकता है इस वीडियो को काट छाट कर दिखाया जा रहा हो, तो नेशनल जनमत के हाथ नई दुनिया समाचार पत्र वेबसाइट की एक खबर लगती है। स्क्रीन पर देखिए, हेडिंग है, लालच में भाजपा का विनाश कर देंगे राजनाथ। 27 अप्रैल 2014 को नई दुनिया की वेबसाइट पर यह खबर छपी थी। इस खबर में देवतीर्थ को पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य लिखते हुए कहा गया है, देवतीर्थ महाराज ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह कभी भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। उन्होंने देश में मोदी लहर होने को पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने कहा, मोदी और राजनाथ मुगालते में हैं, चुनाव के बाद इनकी औकात पता लग जाएगी। ये दोनों प्रधानमंत्री बनने के लिए आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। इसी खबर में आगे लिखा है, शंकराचार्य ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति 7 फेरों का वजन नहीं निभा पाया, उस देश की जनता को वचन देने का कोई अधिकार नहीं। ये लोग निजी स्वार्थ के लिए जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। इसी खबर में आगे लिखा है, इस बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी जमकर आलोचना की और इस पर सांप्रदायिक लोगों का साथ देने का आरोप तक लगा डाला। उन्होंने आगे कहा, पूरे देश में जिस तरह की हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं है। बीजेपी की केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। हिंदुओं को गुमराह करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। 2014 में जो अधोक्षानंद बीजेपी और मोदी के खिलाफ जहर उगलता था, वही अब मोदी भक्ति कर क्यों रहा है? दरअसल मामला पूरी पीठ पर कब्जे का है। यही आरोप स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी लगाते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस शख्स को जानबूझकर आगे बढ़ा रहे हैं, इस फ्रॉड की गिरफ्तारी नहीं करवा रहे हैं। वजह स्पष्ट है, उनको पता था कि कभी ना कभी धर्म विरुद्ध काम करने को लेकर के उनकी आलोचना हो सकती है। उस समय इस तरह के किसी व्यक्ति को आगे करके कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा कि असली और नकली शंकराचार्य है कौन। ये दलाल मीडिया इस काम के लिए तैयार बैठा ही है। जी न्यूज की इस हेडिंग को गौर से देखिए, इसमें लिखा है, पीएम मोदी पर निश्चलानंद के बयान से भड़के शंकराचार्य, कह दी ये बड़ी बात। हेडिंग क्या बताती है कि शंकराचार्य भड़क गए हैं, निश्चलानंद कोई सामान्य व्यक्ति है, जबकि निश्चलानंद शंकराचार्य हैं और जो शख्स भड़का हुआ है वो संत है, महंत है, है क्या कुछ नहीं पता। कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि अब शंकराचार्य के पद पर वही व्यक्ति चल पाएगा जो मोदी के इशारे पर ताली तो छोड़िए नृत्य करने के लिए भी तैयार रहेगा। बहरहाल ये पाखंडियों और धर्मांधों का निजी मसला है, लेकिन बहुजन समाज के मसलों पर जरा सी बात को लड़ाई झगड़े में तब्दील करने वाली ये गोदी मीडिया इस तरह की खबरें तो सामने लेकर के आएगी नहीं। इसलिए नेशनल जनमत की ये जिम्मेदारी है कि धर्म के नाम पर इनके भीतर की सड़ांध मारती इस गंदगी को लोगों के सामने लेकर आना ही आना है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।